कांग्रेसियों ने विपक्ष के 146 सांसदों के संसद से निलंबन पर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति से निलंबन वापस लेने की मांग की। आपको बता दें कि संसद के द्वारा विपक्ष के 146 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, जिसके बाद पूरे देश में इंडिया गठबंधन के पार्टियों द्वारा मुख्यालय पर प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में जनपद में कांग्रेसियों ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा कि सरकार के द्वारा 146 सांसदों का निलंबन कराकर लोकतंत्र पर हमला किया गया है। सरकार ये कृत्य हमारे लोकतंत्र सिद्धांतों की हत्या और हमारी संसद के लोकतंत्र को कब्रिस्तान में बदलने का काम किया है। सरकार का इस तरह का कृत्य लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन है। इसलिए हमारी राष्ट्रपति से मांग है कि सभी निलंबित सांसदों का निलंबन वापस लिया जाए। इस अवसर पर महेंद्रनाथ मिश्रा, विजय कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुरी से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव दिलीप कुमार निषाद ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के जो तानेशाह रवैया है, पहले हमारे 142 सांसदों को निलंबित कर दिया गया था, आज फिर बढ़ा के संख्या 6 और कर दी गई, जो आज 146 सांसद इसमें निलंबित कर दिया गया है। लोकतांत्रिक के मंदिर में सरकार द्वारा हनन है, लोकतंत्र की हत्या है। हम इस निलंबित हुई है, हम निलंबन की वापसी की मांग करते हैं। सरकार का हम इस निलंबन के विरुद्ध कड़ी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। दिलीप कुमार निषाद, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश सचिव।